नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज यानी 9 नवंबर 2020 दिन सोमवार। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्रतिदिन पंचांग की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का पंचांग। माह है कार्तिक, पक्ष है कृष्ण, तिथि है अष्टमी, जो सुबह 6:50 तक रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। वार है सोमवार। दिल्ली समय अनुसार अगर सूर्य चंद्रमा की स्थिति देखें तो सूर्योदय होगा सुबह 6:39 पर, सूर्यास्त होगा शाम के 5:30 पर, चंद्रोदय होगा रात के 12:59 पर और चंद्रास्त होगा दोपहर 1:47 पर। आज नक्षत्र है अश्लेषा, जो सुबह 8:43 तक रहेगा, उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाएगा। योग है ब्रह्म, जो रात के 1:31 तक रहेगा, उसके पश्चात इंद्र योग लग जाएगा। आज का प्रथम करण है कौलव, जो सुबह 6:50 तक रहेगा और द्वितीय करण तैतिल शाम के 6:14 तक रहेगा। आज चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि में सुबह 8:43 तक, उसके पश्चात चंद्रमा सिंह राशि में चले जाएंगे। सूर्य रहेंगे तुला राशि में और सूर्य नक्षत्र है विशाखा। आज का दिशा सूल है पूर्व दिशा, इसलिए यात्रा पर पूर्व की दिशा की यात्रा पर जाने से पहले घर से दर्पण देखकर निकले। राहु का वास रहेगा उत्तर दिशा में। आज नक्षत्र शूल नहीं है। आज के शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:43 से 12:26 तक। अमृत काल है सुबह 7:07 से 8:43 तक। विजय योग है दोपहर 1:43 से 2:37 तक। आज के अशुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे। राहु काल है सुबह 8:01 से 9:22 तक। गुलिक काल है दोपहर 1:26 से 2:48 तक। यमगंड है सुबह 10:43 से दोपहर 12:05 तक। कंडमूल नक्षत्र लग रहा है, जो कि आज पूरे दिन रहेगा। आज के व्रत और त्योहारों में आज हिंदी पंचांग अनुसार कोई भी प्रमुख व्रत या त्यौहार नहीं है। तो ये थी जानकारी आज के पंचांग की। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।